all of you, my dear students, as you know that we have provided you so many lectures, and today we will provide a short video on these exceptional children in which we have studied. आपको पता है हम बहुत सारे मतलब वीडियो हमने अपलोड किए हैं, आज का जो शॉर्ट वीडियो है यह हमारा एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पर है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसमें अगर हम आईक्यू की बात करते हैं तो आईक्यू के बुनियाद पर हमारे यहाँ पर जिन बच्चों का 0 to 1 to 70 होता है वो स्लो लर्नर में आते हैं। आईक्यू की बुनियाद पर जिन बच्चों का 90 to 110 से होता है वो एवरेज बच्चे होते हैं, और जिनका अबव 110 या 140 तक जो अटैच करते हैं बच्चे आमतौर पर सब आईक्यू को हम गिफ्टेड बच्चे बोलते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड। अब जो यहाँ पर आपके सिलेबस में है तीन कैटेगरी के एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वो होते हैं जो बच्चे नॉर्मल बच्चों के से जैसे डिवेट हो जाते हैं, नॉर्मल बच्चे से डिवेट होते हैं। किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स में? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में, या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डिवेट होते हैं नॉर्मल बच्चे, या अबव हो या बिलो एवरेज बच्चे जो होते हैं वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बोलते हैं, जो किरिक ने बोला है 1962 में। अब जब यहाँ पर तीन है, एक तो है आपका गिफ्टेड चाइल्ड, दूसरा है मेंटली रिटार्डेड, तीसरा है आपका डिलीजेंट। अब हम बात करेंगे ये जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर वन, गैरेक्टेड गिफ्ट बच्चे जो होते हैं उनमें पहला है वर्बल एबिलिटी में स्ट्रांग होता है, दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अच्छा होता है इनमें, इसी तरह से इनमें हाई क्यूरियोसिटी लेवल होता है, ये जो गिफ्टेड बच्चे इनमें हाई क्यूरियोसिटी लेवल होता है, मेमोरी रिटेंशन, ये जल्दी जल्दी चीजों को मेमोरी में रखते हैं और ज्यादा देर तक रिटेन करते हैं, मेमोरी रिटेंशन, इसी तरह से इनमें इंटेंसिटी एंड परसिस्टेंस होते हैं जिसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं, ये बच्चे में होता है। इसी तरह इनमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, सेंस ऑफ जस्टिस होता है, और जो एक पॉइंट है जो यहाँ पर गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनमें होता है स्ट्रांग इमेजिनेशन, इनका जो इमेजिनेशन पावर है वो स्ट्रांग होता है। इसी तरह से ये किसी चीज को कीनली ऑब्जर्व करते हैं, की ऑब्जर्वेशन इज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एंड देयर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनकी क्रिएटिविटी भी बड़ी होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, रीजनिंग भी अच्छी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे जैसे verbal ability, information processing, high curiosity level, memory retention, intensity, sense of humor, sense of justice, strong imagination, keen observation, problem solving ability. So these were some important characteristics of gifted child. Thank you very much.